कल जहां दिलचस्प मुकाबले के बाद साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को एक विकेट से शिकस्त दे दी, और वो शिकस्त की वजह क्या बनी? क्या मोहम्मद नवाज को जो है लास्ट ओवर दिया गया था, वो क्या शिकस्त की वजह बनी? उस पर वसीम अकरम ने भी कल जो गलती हुई उसकी निशानदेही करते हुए कहा है बाबर आजम की कप्तानी में क्या गलती हुई। हालांकि कल के अगर मैच में बात करें तो वसीम अकरम ने ये भी कहा कि बाबर आजम ने कल बड़ी अच्छी कप्तानी की है, और जिस तरह से उन्होंने बॉलर्स को इस्तेमाल किया और फिर उन्होंने विकेटें भी ली तो बड़ी ज़बरदस्त कप्तानी की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो गलती हुई उसकी वजह से पाकिस्तान टीम कल जो है वो मैच हार गई। और वो गलती क्या थी? वो गलती ये है कि लास्ट में जो ओवर मोहम्मद नवाज को दिया गया उस पर वसीम अकरम ने कहा कि वो ओवर क्यों दिया गया नवाज को, हालांकि ये वो बॉलर है जिसको एतमाद भी नहीं है। प्लस उसने वो लेग साइड पे जब जो बॉल करवाएगा तो वो लेग साइड पे ही जाएगी, तो ये बाबर आजम की सबसे बड़ी गलती थी जो कि उन्होंने ओवर दिया मोहम्मद नवाज को, और उन्होंने कहा कि वो ओवर जो है वो मोहम्मद नवाज की बजाय बाबर आजम दे सकते थे उसामा मीर को, क्योंकि उसामा मीर जो है वो गुड्डी करवा रहे थे और प्लस मैजिकल डिलीवरी भी करवा के बॉलर्स को परेशान कर सकते थे, लेकिन ओवर अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम ने नहीं दिया। बाबर आजम ने कहीं ना कहीं एतमाद जो है वो दिखाया उसामा मीर पर मोहम्मद नवाज की बजाय, लेकिन मोहम्मद नवाज ने जो है क्या कहें, कल का मैच जो जिता जिताया जीता हुआ मैच था, एटेल एंडर्स की विकेट लेने में भी नाकाम रहा। और वसीम अकरम ने एक जगह पे वसीम जूनियर की भी तारीफ करते हुए कहा कि वसीम जूनियर ने जहां अपना कल पहला मैच खेला तो उसमें बड़ी शानदार जो है उन्होंने परफॉर्मेंसेस दिखाई, लेकिन मतलब ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दिखा रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान कल का मैच नहीं जीत पाया, जिस पर वसीम अकरम ने भी निशानदेही कर दी। वो उम्मीद करते हैं कि आने वाले मैचेस जो है वो पाकिस्तान जीते और फिर पाकिस्तान का चांस भी बने क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन कम टू द पॉइंट कि कल बस एक शानदार मैच हुआ, और उस मैच में जो है वो पाकिस्तान टीम अनफॉर्चुनेटली कामयाबी हासिल करने में नाकाम रहा, और वो गलती वही जो नवाज के ऊपर एतमाद किया गया, नवाज को ओवर दिया गया, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि पाकिस्तान टीम कल का मैच जीतने में नाकाम हुई। और अगर यहीं पे बात करें तो वसीम जूनियर ने भी बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस दी थी। अब आने वाले जो भी तीनों मैचेस हैं उम्मीद करते हैं कि वो मैचेस पाकिस्तान जीते और जो थोड़े बहुत थोड़े से माइनर से चांस से क्वालिफाई करने के वो क्वालिफाई कर जाए।